हर खबर पर आपकी नजर, बेताब समाचार। बदायूं में मारपीट के मामले में अंतिम रिपोर्ट लगाने के लिए 20,000 की रिश्वत लेते दहगवां चौकी इंचार्ज को एंटी करप्शन टीम ने दबोच लिया। उसके साथ एक दलाल भी गिरफ्तार किया गया। दोनों के खिलाफ FIR दर्ज कराकर चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया है। SSP ने मामले की जांच CO को सौंपी है। सोमवार दोपहर प्रेमपाल सिंह और ऋषिपाल सिंह दहगवां पुलिस चौकी पहुंचे थे। इससे पहले प्रेमपाल ने एंटी करप्शन टीम को सूचना दे दी थी। उनके पहुंचने से पहले एंटी करप्शन टीम प्रभारी इश्तियाक वारसी ने अपनी टीम के साथ घेराबंदी कर दी। जैसे ही प्रेमपाल सिंह ने चौकी इंचार्ज को रुपये दिए, तभी एंटी करप्शन टीम ने चौकी इंचार्ज और दलाल को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को शहर कोतवाली लाया गया, जहां उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। भ्रष्टाचार निवारण संगठन के CO यशपाल सिंह ने इसका प्रेस नोट भी जारी किया है। इधर शाम को SSP आलोक प्रियदर्शी ने चौकी इंचार्ज को निलंबित करते हुए मामले की विभागीय जांच CO सहसवान कर्मवीर सिंह को सौंपी है। ये था मामला। ग्राम समसपुर कुबरी निवासी विजेंद्र सिंह ने प्रेमपाल और ग्राम प्रधान के भाई प्रदीप यादव के खिलाफ मारपीट करने के आरोप में FIR दर्ज कराई थी। विजेंद्र का कहना था कि गांव के कुछ लोगों ने कई छुट्टा पशुओं को घेरकर प्राइमरी स्कूल में बंद कर दिया था। इसकी सूचना पर वह भी उन्हें देखने गया था। जब वह पशुओं की वीडियो बना रहा था, तभी प्रेमपाल और प्रदीप ने उसके साथ मारपीट की थी। यह मामला 20 जनवरी का था, लेकिन पुलिस ने 26 जनवरी को FIR दर्ज की थी। SSP आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि एंटी करप्शन टीम ने दहगवां के चौकी इंचार्ज देवेंद्र सिंह को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। इस मामले में चौकी इंचार्ज समेत दो लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया है। विभागीय जांच भी कराई जाएगी। CO सहसवान को जांच सौंपी गई है।